जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और अंशुमन का है आज पेपर, तो अंशुमन को बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। और साइंस का पेपर है इसका, तो तैयारी तो करिए। तबीयत भी ख़राब हो गई थी कुछ, तो गुड्डू स्कूल में गया था उस दिन सर्दी में, 11:30 बजे आया था, और कुछ उस दिन मेले में चला गया, तो 2 दिन से इसको ठंड भी लग गई थी, तबीयत भी ख़राब है इसकी। फिर भी बेचारे ने अपनी तैयारी तो की है साइंस की, इसका पेपर है, और नाश्ता कर लिया इसने। और गुड्डू, हमारी गुड्डू रानी सो रही है, अभी उठी नहीं है क्योंकि उसकी पड़ गई छुट्टियाँ, और अभी तक मैडम ने उसका होमवर्क भी नहीं भेजा है क्योंकि प्रोग्राम था, उसके बाद में सीधी बस इनकी छुट्टियाँ ही पड़ गई। और बल्ले ही बल्ले है गुड्डू की, तो गुड्डू को ना होमवर्क है और भाई अपने खेलना ही खेलना है। और अंशुमन भी वैसे तो जल्दी आ जाएगा, आज 10 बजे इसका पेपर शुरू होगा और 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, 1 बजे इसकी छुट्टी हो जाएगी। और तैयारी करी है ना बेटा? तैयारी करी है, फुल तैयारी है। अब देखें, वो तो फिर पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगा जब पता लगेगा भाई कैसी तैयारी की है और क्या करके आया है पेपर में। तो अभी तो इसको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और बस तैयार है जाने के लिए स्कूल। बाय करते हैं इसको। शर्मा जी भी चले गए हैं जल्दी, उनको भी जाना था, बुकिंग थी उनकी आज की। आज अगर आप इस अब नहीं जाते तो शाम को फिर भिवानी जाते। तो अब लड्डू गोपाल जी के लिए भी बड़ी ठंड हो रही है, तो इनको नहला रही हूँ आज 2 दिन में, और पूरा परिवार ही इकट्ठा हो रहा है। मम्मी के लड्डू गोपाल है, गणेश है, मेरे लड्डू गोपाल और गणेश और लक्ष्मी माँ, तो बहुत सारा भाई इनका परिवार पूरा इकट्ठा हो रहा है। पूरा टाइम लग जाता है नहलाने धुलाने में, श्रृंगार करने में, ड्रेस पहनाने में, तो कई देर लग जाएगी। पूजा में भी आज मेरे को, तो पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद अंशु गुड्डू के लिए बनाऊँगी नाश्ता। और गुड्डू अब उठी है, थोड़ी लेट उठी है क्योंकि कल उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। और अंशुमन पेपर देने गया है, उसका साइंस का पेपर है, तो वो जल्दी आ जाएगा, 1 बजे आ जाएगा। और शर्मा जी गए हैं मथुरा वृंदावन, सुबह जल्दी चले गए थे और वो आएंगे रात को लेट तक। लड्डू गोपाल को तैयार। अंशुमन आ गया स्कूल से और पेपर दे आया है भाई, और पेपर इसका बहुत अच्छा हुआ है ना अंशुमन? बहुत बहुत बढ़िया करके आया, कह रहा मम्मी बहुत अच्छा हो गया। वो तो जब जाएंगे जब पता लगेगा। और गुड्डू कर रही है अपना हॉलीडे होमवर्क, इसकी मैम ने भेज दिया था फोन पे व्हाट्सएप पे, तो ये कर रही है अपना होमवर्क। खेल तो आई है भाविका के साथ, वो दोनों ट्यूशन चली गई, और ये कह रही है मम्मी मैं भी पढ़ लेती हूँ। मम्मी भी अपने बैठी आराम से, शिव शक्ति देख रही है, तो इनको देखने देते हैं, बैक करने देते हैं। भाई दूसरे पेपर की तैयारी कर ले बेटा, कल किस चीज का है? परसों कल की छुट्टी है। ओए मौज होगी, बल्ले बल्ले। तो 2 दिन मिला है, तैयारी कर ले अपनी, और मैं जाती हूँ ऊपर, धूप निकल आई है, तो तुलसी का पौधा जो है चादर ढक के आई थी, तो वो भी नहीं मैंने वो करी है, उसको भी हटाऊंगी, और जो पौधे अंदर रखे उनको भी धूप लगाऊंगी। तो जा रही हूँ ऊपर, थोड़ी देर धूप सेक के आते, निकली आज कई दिन में धूप, हल्की हल्की धूप निकली है, और तुलसी पे से चादर हटा दी है मैंने, और ये पौधे भी बाहर रख दिए हैं, थोड़ी धूप लगनी भी ज़रूरी है पौधों के, तो तुलसी के पौधों को बाहर रख दिया है, और थोड़ी धूप लग जाएगी इनमें भी। और एक छोटा सा गुलाब भी आ गया हमारे उसमें गमले में, जो बड़े बड़े मोटे मोटे गुलाब लगते हैं जिसमें, दिखाऊँ आपको। गुड्डू और भाभी का तो भाई पढ़ रहा, पढ़ाई कर रही है अपनी, जो इनका हॉलीडे होमवर्क ग्रुप स्टडी हॉलीडे होमवर्क मिला है वो कर रही है दोनों बैठ के। और इनकी एक फ्रेंड ट्यूशन गई है, वो अभी आई नहीं है, बस आने वाली है, फिर ये खेल लेंगी थोड़ी सी देर। और ठंड हो रही है, जुकाम लग गया, उस दिन प्रोग्राम था स्कूल में, और तब से ही बीमार है। अभी तो शुक्र है भाई छुट्टियां पड़ गई, नहीं तो इसको छुट्टियां करनी पड़ती। और अंशुमन अपना मोबाइल में गेम खेल रहा है, मम्मी भागवत कथा सुन रही है, और मैं जा रही हूँ रसोई में, और मैं बनाऊँगी आज मूली की कढ़ी और बाजरे की रोटी। खाने की तैयारी कर रही थी और इतने में मम्मी का ऑर्डर आ गया कि बेटा चाय बना दे, चाय पिला दे। 5 बज गए हैं, रसोई में बाद में लगी सब्जी बनाने के, तू कढ़ी बाद में बनाइयो, पहले मेरी चाय बना दे, ठंड लग रही है, तो मम्मी को पिलाती हूँ गरम गरम चाय। अंशु गुड्डू तुम भी लाओ बेटा, तो इनको देती हूँ सबको चाय, और फिर बनाऊंगी कढ़ी। और कढ़ी आज बनाऊंगी मैं मूली वाली, कई दिन हो गए मूली वाली कढ़ी नहीं खाई है, तो मूली काटूंगी और पत्ते भी डालूंगी आज, पत्ते भी काट के डालूंगी। और कढ़ी के साथ साथ आज बनाएंगे बाजरे की रोटी, क्योंकि ठंड हो रही है तो बाजरे की रोटी खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो कढ़ी गर्मा गर्म कढ़ी और ठंड में बाजरे की रोटी गर्मा गर्म। और आज खाएंगे देसी खाना अपना, कोई टिक्की नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं, आज सिंपल अपना देसी हरियाणवी खाना बनाएंगे, बाजरे की रोटी और कढ़ी। और फिलहाल देती हूँ मम्मी को और बच्चों को चाय। अब छोक रही कढ़ी, और लस्सी में बेसन मैंने घोल लिया है, और
ये मूली भी काट लिए मैंने और मूली के पत्ते भी वेस्ट नहीं किए हैं, मूली के पत्ते भी मैंने काट लिए हैं। तो आज पालक की जगह मैं मूली के पत्ते डालूंगी और भी कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। और कई दिन हो गए थे पालक की और पकौड़े की सब्जी खाते, कढ़ी खाते खाते डाल देते हैं। और ये मैंने तीन चीज़ें ली हैं, जीरा, राई और मेथी नहीं ली आज। मेथी अंशुमन कहता है मम्मी जब दांत के नीचे आते हैं तो मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बस ये जीरा, राई और अजवाइन ली है, मैंने तीन चीज़ें ही ली हैं। और ये डाल दूंगी, जीरा सिक गया हमारा, अब इसमें डाल देंगे मूली। और ये हम जब तक हल्की सुनहरी नहीं हो जाएगी और ये तेल में ही गल जाएगी, जब तक हमारी हल्की सुनहरी होएगी तो ये गल भी जाएगी। और गलने के बाद क्योंकि अगर कढ़ी में वैसे डाल देते तो ये टाइट रहेगा कि, तो पहले इनको मैं तेल में गलाऊंगी और हल्का सुनहरी होने तक इसमें मैं इसको ऐसे ही सेकती रहूँगी। तो मूली हमारी गल गई थी और जो मैंने बेसन में रस्सी में बेसन घोल रखा था वो मैंने डाल दिया इसमें, और जो मैंने मूली के पत्ते काट रखे थे बारीक बारीक अब वो डाल देती हूँ और अब इसको उबलने देती हूँ। और इसको मैं उबाल नहीं आएगा तब तक मैं चलाती रहूँगी, क्योंकि नहीं चलाऊँगी तो हमारी लस्सी फट जाएगी। तो इसको मैं चलाती रहूँगी उबाल आने तक, और जब उबाल आ जाएगा तो गैस को सिम करके और फिर इसको आधे घंटे तक उबलने के लिए रख देंगे। और अंशुमन गया हनुमान मंदिर, आज मंगलवार है तो आज सुबह जाने की तो मेरी भी इच्छा थी कि जाऊं, पर भाई ठंड देख के फिर मेरा तो मन नहीं किया जाने का और मैंने तो जाना कैंसिल कर दिया। तो वो गया हर्षित के साथ बाइक पे, तो वो तो बाइक पे चले जाएगा ऑटो में, भाई मेरे को तो शाम को जाने का प्रोग्राम था, शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो मैंने तो जाना कैंसिल ही कर दिया कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा बेटा, तू ही चला जाइए हर्षित के साथ। तो वो गया है आज हनुमान मंदिर, बूंदी का प्रसाद लेके आएगा। वो जाता है ना वहाँ पे, वो जाता है बूंदी के प्रसाद के लिए, क्योंकि वहाँ पे एकदम गर्मा गर्म बूंदी निकालते हैं वो, और उसको वो बहुत अच्छी लगती है। तो वो ज़्यादा तो अपने उस बूंदी के लालच में जाता है कि गर्मा गर्म बूंदी खाऊंगा प्रसाद चढ़ा के। मैं कह रहा मम्मी मेरे को कहीं की भी अच्छी नहीं लगती, वहाँ जो प्रसाद में देते हैं ना वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो प्रसाद का तो चाहे भाई हनुमान मंदिर हो या कोई भी हो, प्रसाद तो हर जगह का बहुत स्वाद होता ही है, क्योंकि भोग लगने के बाद तो हर चीज़ जो है स्वादिष्ट हो ही जाती है। तो अब इसको चलाती रहती हूँ उबलने तक। और गुड्डू गई है भाविका के घर खेलने, तो आज तो उनका लग ही रहा है, कभी भाविका के घर गुड्डू जा रही है, कभी गुड्डू के घर भाविका आ रही है। तो अब छुट्टी छुट्टी तो वह ऐसे ही करेंगी, क्योंकि सब बच्चों की अब छोटे छोटे जो उनकी तो छुट्टी हो ही गई, और कल तो दोनों बहन भाई की अंशुमन की भी छुट्टी है, कल पेपर नहीं है, एक पेपर एक छुट्टी है, तो उस वो भी घर ही रहेगा कल। शर्मा जी लेट आएंगे, शर्मा जी रात को खा के आएंगे खाना, तो उनका तो नहीं बने, कह रहे मेरा रहने दियो मैं नहीं खाऊंगा, तुम अपने लिए बना लेना जो खाना हो तुमको। और मम्मी बाजरे की रोटी कह रही है बेटा वो मैं पीस के खा लूँगी, उसमें खिचड़ी जैसा टेस्ट आता है, तो मम्मी के लिए वो बनाएगी, बस मैं मेरे लिए अंशु के लिए और गुड्डू के लिए ये बन रही है ये कड़ी। और आज भाई माँ कह रही है बेटा तू रहन दे ला, मैं गरम गरम रोटी आज मैं खिला दूंगी। और मम्मी बना रही रोटी बाजरे की और लड्डू गोपाल जी को फिर भोग लगा के और फिर खाएंगे हम भी गरमा गरम बाजरे की रोटी और कढ़ी। तो लड्डू गोपाल जी को कढ़ी का भोग तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कढ़ी में मैंने लहसुन डाल दिया, तो मक्खन का और बाजरे की रोटी का ही भोग लगाऊंगी। और शर्मा जी भाई फोन आया था, शर्मा जी हो गए नाराज, शर्मा जी कह रहे जब मैं चला जाता हूँ ना तब तुम अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाते हो, मेरे सामने तो नहीं तली वाली चीज़ें बनाते हो, कभी टिक्की हो गई, कभी बर्गर हो गए, चाउमीन हो गए, मेरे को तो ये फास्ट फूड का तला वाला खाना खिलाते हो। एक तो मैं बाहर भी ऐसा ही खाना खाता हूँ और जब घर पे रहता हूँ तब भी मेरे को तुम ऐसा ही खाना खिलाते हो। तो भाई गुस्सा हो गए और कह रहे मैं घर पे नहीं हूँ ना तब तुमको याद आया कि भाई कढ़ी और बाजरे की रोटी बनानी है, तो गुस्सा हो जब बाजरे की रोटी और घाटे का साग बनाया था तो बुकिंग जब तो भाई हमने बुकिंग लगाया एकदम से बुकिंग आ गई थी तब हमने वो नहीं करी और भोग नहीं लगाया है, लगा रही हूँ अब लगाऊंगी ना भोग उसका रोटी का, हमने नहीं करा भाई उस दिन तो बुकिंग आ गई थी फटाफट जब भागना पड़ गया था। तो क्या बना रही थी, क्या बना रही थी, चूहा देखिए गुड्डू ने चूहा बनाया है, बिल्कुल चूहे जैसा ही लग रहा है दिखा।
गुड्डू ने बनाया है चूहा, आटे का चूहा, और इस पे कलर कर दिया है और आंख वाँख सारी चीज बनाई है। और नानी हंसी का हंसी उड़ा रही है, इसकी कह रही है तुम्हारे घर में तो वैसे ही बहुत चूहे हैं, अब नकली का बना बना के और रख लो। गुड्डू की आर्टिस्ट, हमारे घर में कुछ ना कुछ बनाती रहती है। बच्चों ने खाना शुरू कर दिया भाई, सिंपल सी अपनी बाजरे की रोटी और कड़ी। अंशुमन चावल की कह रहा था, पर कह रहा था नहीं मम्मी आज ये पहली बार खा रहा है ये कढ़ी और बाजरे की रोटी, नहीं तो ये बाजरे की रोटी वो कढ़ी के साथ चावल ही खाता रे, चावल की कह रहा था। पर मैं बोली एक बार खा के देख, तो कह रहा मम्मी एक बार खा के आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो कैसे लगी भाई उसके साथ? बड़ी मिर्च कम है ना। खाना खा लिया है और भाई बहुत अच्छी बनी थी कढ़ी और बाजरे की रोटी, कई दिन में खाई, बहुत स्वादिष्ट लगी। और सिंपल खाना भी कभी कभी खाना चाहिए, अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ ये तला हुआ और चटपटा खाना भी अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी सिंपल खाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज खाया अपने साधारण सा सिंपल सा खाना, बाजरे की रोटी और कढ़ी। और अंशु गुड्डू देख रहे हैं मूवी जस्ट एंड मैजिक देख रहे हैं, और ये इन्होंने पता नहीं कितनी बार देख लिया दोनों बहन भाइयों ने। और देख देख के इनका ना जी नहीं भरता, एक तो हैरी पॉटर और एक ये, इनको कभी दिखा लो और किसी टाइम दिखा लो, ये देखने को तैयार है दोनों बहन भाई। शर्मा जी आएंगे लेट, तो लॉक वॉक अच्छे से लगा दिया है और मम्मी चली गई अपने कमरे में सोने। कह रही बेटा ये तो मेरी समझ में ना आ रही, के देखे एक ये ना देखे, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मम्मी चली गई सोने अपने दवाई दोई लेके, और करती हूँ ब्लॉग का एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा।